मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब हैं जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए। कोरोना काल में एक तरफ जहां उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि केवल मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं, वहीं पूर्वी जिला पंचायत अध्यक्ष कृष्ण भंडारी गरीबों और जरूरतमंदों को घर घर जाकर मुफ्त खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को कृष्ण भंडारी द्वारा ग्राम खाकोट, महतगांव और कोटली तीनों ग्राम पंचायतों के सभी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर आदि चीजों का वितरण किया गया। भारी बारिश के बीच बोल्डर और मलबा आने से बुधवार को टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। भूस्खलन से भारतोली के पास 100 मीटर क्षेत्र में सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। इससे पूरे दिन आवाजाही बंद रही। मार्ग पर सब्जी, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के टैंकर, बसों समेत दर्जनों वाहन फंस गए हैं, जिससे यात्रियों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात तक मलबा साफ नहीं हो सका। हालांकि टनकपुर से बैराकोट तक का हिस्सा सुचारू है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 353 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 6 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव की संख्या 3572 के पार पहुंच गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 337802 के पार पहुंच गई है। वहीं बात करें जिलों की तो हरिद्वार में 94, देहरादून में 75, अल्मोड़ा में 20, बागेश्वर में 2, चमोली में 9, चंपावत में 7, नैनीताल में 30, पौड़ी में 27, पिथौरागढ़ में 24, रुद्रप्रयाग में 15, टेहरी में 20, उधम सिंह नगर में 10 और उत्तरकाशी में 20 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। चंपावत जिले के गाँव चीनीगोट में बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बुधवार को रिबन काटकर 3 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र चीनीगोट में पिछले कई वर्षों से सड़क निर्माण की मांग चल रही थी। बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों को आए दिन खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बुधवार को विजिलेंस की टीम ने रुड़की के भगवानपुर स्थित एक बड़े कॉम्प्लेक्स में छापा मारकर बड़ी बिजली चोरी का भंडाफोड़ किया है। टीम ने प्रॉपर्टी डीलर सम्राट शर्मा समेत 2 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की है। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। टीम की इस छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को मसूरी में घंटाघर जैन धर्मशाला के पास किसी बात को लेकर मैकेनिक और पर्यटकों के बीच हाथापाई हो गई, जिसको लेकर एकाएक हंगामा बढ़ गया। वहीं दो पक्षों के बीच हुई जबरदस्त झगड़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को मसूरी कुलड़ी चौकी लाया गया, जहां पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं चौकी में भी दोनों पक्षों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से तहरीर लेकर मामले की जाँच की जा रही है। दिल्ली के एम्स में बुधवार देर शाम अचानक आग लग गई। आग की लपटें और धुआं काफी दूर से नजर आ रहा था। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक एम्स के इस हिस्से में मरीजों का वार्ड नहीं था। तो ये थी आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो, मैं हूं मनोज जिंद्री और आप देख रहे हैं K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। देश विदेश और अपने क्षेत्र की सारी खबरों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सभी गढ़वाली भाई बहनों तो मैं यही बोलूं कि जरूर देखा अपने क्षेत्र की सारी खबरों का वास्ता K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट।